कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। हमारे न्याय पत्र के बारे में बोलते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उसको पढ़ने से डरते हैं। आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। तो मोदी जी और उनके मंत्रियों को नाटू नाटू करने दो। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? देश के प्रधानमंत्री आपको ऐसे ऐसे फिजूल के झूठ बोलते हैं कि कोई राजनीतिक दल आपकी भैंस चुराएगा या अपने गहने चुराएगा, तब आप जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री दुर्बल है, ये प्रधानमंत्री कायर है, इसने हमारे लिए कुछ किया नहीं, इसीलिए हमें ये सब बातें बता रहा है। सुबह से शाम तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बात करते हैं और वो भी सारी झूठी बातें। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनके घोषणा पत्र में क्या लिखा है? जितनी भी स्कीमें कांग्रेस ने शुरू की, उनका नाम बदल के मोदी जी की फोटो चिपका के आपके सामने डाल दिया होगा। हमारे न्याय पत्र के बारे में बोलते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उसको पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि हमारा न्याय पत्र आपकी सारी संपत्ति वापस आपके जेब में डालने का काम करता है। हमारे न्याय पत्र में वो सारी चीजें हैं जो इनको करनी चाहिए थी 10 सालों से, लेकिन इन्होंने की नहीं। किसानों के लिए MSP को कानून बनाएंगे, आपको MSP कानूनी तौर पे मिलेगा। खेती के सारे सामानों से GST हटाई जाएगी। आपकी कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। जैसे मनरेगा आपको 100 दिन के रोजगार का अधिकार देता है, उस तरह से शहरों में भी हम 100 दिन के रोजगार का अधिकार आपको देंगे। मेरी बहनों के लिए गरीब परिवार में सबसे बड़ी महिला के खाते में
8,500 रुपए हर महीने, 1,00,000 रुपए सालाना हम डलवाएंगे। जो 30,00,000 सरकारी पद खाली है उनको भरेंगे। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का फंड बनेगा, ताकि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एक छोटा कारोबार बनाना चाहते हैं, आपको सुविधा मिलेगी। जो स्नातक पास युवा है उनके लिए पहली नौकरी पक्की, सालाना 1,00,000 रुपए की आमदनी हम गारंटी देते हैं। ये हमारी गारंटी है। इस चुनाव में आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है कि जब हमारी सरकार आई तो आते ही आपकी गारंटी को पूरी करने का काम किया। आपने RRR पिक्चर देखी, पूरी दुनिया में मशहूर हुई, तो मोदी जी और उनके मंत्रियों को नाटू नाटू करने दो। आपके पास रेवंत रेड्डी जी है RR, और राहुल है RRR है। साथ में आपको एक ऐसी देश में सरकार देंगे जो आपके लिए दिन रात काम करेगी और दुनिया में आपको मशहूर बनाएगी, देश का सम्मान दिलवाएगी।